दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज इंडिया के अंदर चारों तरफ वैक्सीनेशन की धूम है और तकरीबन 80% लोगों के दोनों डोज हो चुके हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, और 60% लोगों के फर्स्ट डोज हो चुके हैं। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो उसमें से एक जो कॉमन क्वेश्चंस है, कई लोग जो है ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हमने वैक्सीनेशन ले लिया कोविड-19 का तो हमें तकरीबन 7 दिन तक कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। मेरे पास में रोजाना वैक्सीन लिए कम से कम 15 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको कितना कुछ माइनर प्रॉब्लम हो रही है और वो लोग जो है ये मानकर चल बैठे हैं कि भाई वैक्सीनेशन अगर हमने ले लिए तो किसी भी तरह का हमको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हमें मेडिसिन लेना नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो इसी डर की वजह से वैक्सीन भी नहीं ले रहे कि भाई हमको शुगर की रोज गोली खाना पड़ता है और वैक्सीन लेने के बाद में गोलियां नहीं खा सकते। कई पेशेंट जो थायराइड के है वो भी वैक्सीन इसलिए नहीं ले रहे कि भाई हमको तो थायराइड की रोज गोली खाना पड़ता है, तो फिर हम वैक्सीन कैसा लें। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि भाई वैक्सीन लेने के बाद में कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन आपको अवॉइड करना है, और वैक्सीन लेने के बाद में अगर आपको कुछ शिकायत होती है तो उसका हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हमारे इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड सभी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो एक आम पब्लिक से लेके जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग हो, या फिर जो नए जीपीज है, जो जनरल प्रैक्टिशनर है, उन लोगों के लिए हमारे चैनल में बहुत सारे फायदेमंद वीडियोस आने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद में कौन कौन से मेडिसिन ले सकते हैं या मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, इससे पहले इस सवाल का जवाब जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन जो है सिंपल एक हमारे बॉडी के अंदर किसी बीमारी के लिए इम्यूनिटी पैदा करने का तरीका है। जैसे अगर कुत्ता काट लेता है तो हम रेबीज का वैक्सीन लेते हैं ताकि कुत्ते के काटने से जो रेबीज बीमारी होती है तो हमें वो बीमारी ना हो, इसलिए हम जो है वो कुत्ते के काटने के बाद में रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग तो धनुर्वात का इंजेक्शन, टीटी का इंजेक्शन तो मतलब मानते जानते ही है। टीटी का इंजेक्शन भी हम इसलिए लेते हैं कि हमें टीटेनस टॉक्साइड ना हो। तो वैक्सीन और बच्चों को भी आप जानते हैं कि आजकल तो हर पेरेंट्स जो है बच्चों को इम्यूनाइजेशन करा ही रहा है। तो जिस तरह से बच्चों को भी टीका देने के बाद में थोड़ा बहुत बुखार आना या चिड़चिड़पना होना, ये चीज़ें होती है, उसी तरह से हर वैक्सीन के बाद में बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं बॉडी उसको रिएक्शन देती है। थोड़ा बहुत बुखार आना, थोड़ा बहुत वीकनेस लगना, चक्कर आना, ये हर वैक्सीन के अंदर एक नॉर्मल चीज़ है जो सभी वैक्सीनेशन के बाद में हमें होती है और वो 2-3 दिन के बाद में खुद ब खुद जो है वो ठीक भी हो जाती है। ऐसा ही कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ भी हो रहा है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड लेने के बाद में 1 से 2 दिन किसी किसी को बुखार, माइनर बुखार रह रहा है, वीकनेस आ रही है, तो उसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है और उसे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको बुखार आता है तो नॉर्मल पैरासीटामॉल आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सिम्टम होते हैं तो भी आप जो है मेडिसिन ले सकते हैं आपके डॉक्टर के सलाह अनुसार। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर आपको शुगर है तो आपके शुगर की जो गोलियां रेगुलर चालू है वो आपको शुरू ही रखना है वैक्सीन लेने के बाद में, वैक्सीन लेने के पहले भी। अगर आप थायराइड के मरीज है तो थायराइड की गोली आप उसी तरह से रेगुलर चालू रहने दो जैसे कि आप, या और कोई बीमारी, अगर कोई बाईपास सर्जरी के हुआ पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, या जिसके जो भी रेगुलर गोलियां चालू है वो गोलियां आप रेगुलर ले सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद में, जिस तरह से आप पहले ले रहे थे। सिर्फ वैक्सीन लेने के बाद में ऐसी कोई भी दवा नहीं ले सकते जिससे आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़े या वैक्सीन की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाए। इसमें मेनली स्टेरॉइड का ही दखल रहता है। स्टेरॉइड की जो दवाइयां है वो वैक्सीन लेने के बाद में नहीं लेना चाहिए।
बाकी के दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने आज वैक्सीन ले लिए, किसी वजह से शाम में आपका पेट में दर्द शुरू हो गया, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप साइक्लोपाम गोली जो है जो नॉर्मल पेट के दर्द के लिए दी जाती है वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन ले लिए और किसी वजह से इंडाइजेशन हो गया या फिर आपको लूज मोशन अगर लग गए तो क्या करें? अगर लूज मोशन अगर आपको लगते है तो आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो रहता है ORS जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आप ले, क्योंकि बीपी कम होने का डर रहता है इसके अंदर, तो आप जो है ORS ले। अगर आपको ज्यादा ही लेटरिन अगर लगते हैं तो आपके डॉक्टर के सलाह अनुसार आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने वैक्सीन ले लिया, इत्तेफाक से आपको कुछ और प्रॉब्लम शुरू होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं या फिर पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है, या कहीं चलते चलते कहीं आपको गला खस्ता आप गिर गए, आपको स्वेलिंग आ गई, पैरों पे सूजन आ गई, तो क्या करें? नहीं भाई मैंने वैक्सीन ले लिया 8 दिन तक तो मुझे कुछ ही नहीं लेना है, ठीक है। तो जितने भी मेडिसिन, एक ध्यान रखिए कि इसके कोई ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं होना है वैक्सीन लेने के बाद में, सिर्फ ये हो सकता है कि वो आपके वैक्सीन की इफिकेसी यानी वैक्सीन का जो है असर को थोड़ा सा कम करे। वैक्सीन जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, जो कोविड के अगेंस्ट में, जो कोरोना के अगेंस्ट में वैक्सीन लेने के बाद में आपकी बॉडी को जो तैयारी होने वाली है, आपकी बॉडी जो तैयार होने वाली है, आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन दवाइयां लेने से आपको कोई मेजर नुकसान नहीं होना है। कई लोगों को वैक्सीन लेने के बाद में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो घर पे ही बैठे रह रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमने सुना कि 8 दिन तक मेडिसिन ही नहीं लेते, और जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जा रहे फिर वो भागे भागे डॉक्टर के पास आ रहे, लेकिन जब तक के क्या हो रहा है कि तबीयत भी थोड़ा सा उनकी ज्यादा हो जा रही है, फिर वो सारा दोष वैक्सीन को भी जा रहा है, और फिर पता नहीं किधर किधर से फिर उसका इफेक्ट दूसरे लोगों पे भी निगेटिव जा रहा है कि भाई वैक्सीन लेने से ही ऐसा हो गया करके। तो वैक्सीन लेने के बाद में अगर आपको माइल्ड सिम्टम रहते हैं, थोड़ा बहुत अगर सर दर्द वगैरह रहता है तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। वैसे तो वैक्सीन लेने के बाद में 70-75% लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा है, 15% को माइल्ड सिम्टम आ रहा है, थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, थोड़ा बहुत वीकनेस आ रहा है, बाकी 2-3% ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बहुत तेज बुखार अगर आ रहा है। अगर आपको 101 के ऊपर बुखार आता है तो आप पैरासिटामोल के साथ में मेफेनिमिक एसिड, मेफ्टल गोली भी ले सकते हैं। या अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम अगर होते हैं तो उससे रिलेटेड आप मेडिसिन ले सकते हैं आपके डॉक्टर सलाह अनुसार, लेकिन इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत अवॉइड, मतलब हेल्थ वर्कर इसलिए आपको मना कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हेल्थ वर्कर आपको तकरीबन 7-8 दिन तक एक मना कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर कुछ लो मत। कुछ दवाई नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि आप शुगर की गोली बंद कर सकते हैं, डायबिटिक थायराइड की गोली बंद कर सकते हैं, आपके बीपी की गोली बंद करना है, या आप जो हार्ट वगैरह के लिए जो गोलियां ले रहे हैं वो आपको बंद करना है, ऐसा नहीं है। आपके जो रेगुलर गोलियां शुरू है वो आपको शुरू ही रखना है, वैक्सीन लेने के बाद में भी, वैक्सीन लेने के पहले भी। अगर किसी को पहले किसी चीज की एलर्जी होती थी, बहुत सारे लोगों को होती है एलोपैथी मेडिसिन से एलर्जी होती है, तो वो लोग को अगर वैक्सीन लेना है तो वो भी एहतियात के तौर पर जो मॉन्टेरेलसी या फिर लियोसेट्रिजन मॉन्टेलुकास कॉम्बिनेशन में जो गोली आती है वो गोली खाकर भी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो लोग मेरे पास, जो मेरे रेगुलर पेशेंट है जिनको थोड़ा माइल्ड एलर्जी वगैरह होती थी, उन लोगों को लियोसेट्रिजन मॉन्टेलुकास देने के बाद में, वैक्सीन लेने के बाद में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं गई। वैसे जरूरी भी नहीं है लेना करके, क्योंकि वैक्सीनेशन से साधारणतः ऐसी कुछ एलर्जिक रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप एहतियात के तौर पे गोली खा सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बड़े बड़े कंसल्टेंट और जो है रिसर्च करने वाले जो डॉक्टर्स है उन लोगों ने भी इसे रिकमेंडेड किया है। तो आप लियोसेट्रिजन मॉन्टेलुकास अगर एलर्जी आपको है तो आप वो गोली खाकर भी वैक्सीन ले सकते हैं। इसके अलावा अभी क्योंकि गवर्नमेंट जो है 15 साल से 18 साल तक के जो है वैक्सीनेशन जो है शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि ये फेस के अंदर भी जो है वैक्सीन लेने के बाद में जो है जो यंगस्टर है, जो 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनको भी अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम अगर आते हैं तो आप बिल्कुल उनको डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां दे, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पैरासिटामोल सबसे सेफ दवा है, अगर माइल्ड बुखार आता है, माइल्ड बदन में दर्द होता है तो बिल्कुल आप पैरासिटामोल लें,
लेकिन अगर बुखार बहुत ज्यादा आता है, 100 के ऊपर आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीआरपी वगैरह भी करा सकते हैं। सीआरपी एक ब्लड टेस्ट होता है, अगर बहुत ज्यादा बुखार आता है तो इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ, उसके देखने के लिए आप सीआरपी कराइए और उसके अनुसार जो है आपके डॉक्टर के सलाह अनुसार आप मेडिसिन ले, मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने अगर वैक्सीन ले लिया और अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो आप उसको बहुत ज्यादा बर्दाश्त करें या उसको सीवियर होने दे या ज्यादा बढ़ने दे और उसके बाद में मेडिसिन ले। तो अगर होता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप आपके डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें और उनके सलाह अनुसार जो है अपने जो है उनके सलाह अनुसार जो है मेडिसिन लें। अगर वैक्सीन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज है, अगर वैक्सीन लेने के बाद में भी अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफ होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम जो है उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा चैनल जो है डॉक्टर जिब्राइल वाशिम, ये जो है इसी तरह से वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पर जो है अपलोड करने वाले है, तो आप जो है हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा और काम का लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर लोगों दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए।